मेरे साथ मंच पर बैठे हुए सभी अग्रगणी सज्जन और मेरे व्याख्यान के लिए आए हुए आप सभी सज्जनों, मैं सबसे पहले प्रगति मित्र मंडल का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरा ये व्याख्यान आयोजित किया, और आपका भी आभारी हूं कि आप मेरे इस व्याख्यान के लिए यहां पर आए, आपने समय निकाला। पिछले 4-5 दिनों से मैं बहुत दुखी हूं, और मेरे दुख का कारण है कि हिंदुस्तान में ब्रिटेन की रानी आई हुई, और वो जो ब्रिटेन की रानी इस देश में आई है उसको हमारे देश की सरकार ने बाकायदा निमंत्रण देकर बुलाया है। तो एक बाजू में तो हमारी सरकार कहती है कि देश में आजादी के 50 साल पूरे हो गए हैं और हम आजादी की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी सरकार ऐसे लोगों को बुलाकर ला रही है जिन्होंने ये देश गुलाम बनाया था, जिन अंग्रेजों ने इस देश पर 250 साल राज किया, जिन अंग्रेजों ने इस देश की पूरी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया, जिन अंग्रेजों ने भारतीय खेती को बर्बाद कर दिया, भारतीय कृषि को बर्बाद किया, जिन अंग्रेजों ने भारतीय संस्कृति, भारतीय शिक्षण पद्धति को बर्बाद किया, जिन अंग्रेजों के कारण हमारे देश की न्याय पद्धति का नाश हो गया, और जिन अंग्रेजों के कारण हमारे देश की कई पीढ़ियां गुलामी के दौर में अपने आप को जिंदा रखकर बढ़ा पाई आगे, ऐसे अंग्रेजों के प्रतिनिधि ब्रिटेन की रानी को हिंदुस्तान में बुलाना मुझे बहुत अखर रहा है। मेरे जैसे नौजवान को यह समझ में नहीं आ रहा है कि ब्रिटेन की रानी आई क्यों है। पिछले 50 साल में ब्रिटेन ने और ब्रिटेन की सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे यह सिद्ध होता हो कि ब्रिटेन की सरकार पश्चाताप करना चाहती है, और अगर वो पश्चाताप ही करना चाहते थे तो हिंदुस्तान से वो सारी व्यवस्थाओं को वापस ले जाते जो उन्होंने हिंदुस्तान में डालकर छोड़ी, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं है। और पिछले 50 साल में ब्रिटेन ने ऐसा कोई सबूत भी पेश नहीं किया है कि वो हिंदुस्तान के प्रति कोई दया भाव रखते हैं, कोई सद्भावना रखते हैं। तो ऐसे समय में जब इस देश की आजादी की स्वर्ण जयंती मनाई जा रही हो, इस देश में गुलामी के दिनों की याद दिलाने के लिए ब्रिटेन की महारानी को बुलाना मैं हिंदुस्तान के शहीदों का अपमान मानता हूं। हिंदुस्तान के जिन लाखों करोड़ों शहीदों ने ब्रिटेन की आताताई व्यवस्था को, ब्रिटेन की साम्राज्य व्यवस्था को हिंदुस्तान से उखाड़ फेंकने में अपने प्राणों का बलिदान किया हो, अपनी कुर्बानियां दी हो, लाखों लाखों नौजवान अंग्रेजों की गोलियों के शिकार हुए हों, हजारों लोगों को काले पानी की सजा मिली हो और हजारों लाखों लोगों को अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पर लटकाया हो, ऐसे हिंदुस्तान में उन अंग्रेजों का स्वागत करना मुझे बहुत अपमानजनक लग रहा। पिछले 5-6 दिनों से भारत सरकार जश्न मना रही है महारानी के हिंदुस्तान में आगमन का, और इस देश का पग पग पर अपमान किया जा रहा है रानी के आने से। ब्रिटेन की रानी जो हिंदुस्तान में आई है, आप में से शायद बहुत कम लोग जानते होंगे इस बात को कि ब्रिटेन की रानी जो इस देश में आई है उसको पासपोर्ट और वीजा की जरूरत नहीं है हिंदुस्तान में आने के लिए। बिना पासपोर्ट के और बिना वीजा के रानी को हिंदुस्तान में बुलाया गया। दुनिया के किसी भी देश में आप जाइए, आपको पासपोर्ट अगर नहीं है आपके पास
तो आप घुस नहीं सकते उस देश में। दुनिया के किसी भी देश में जाइए, अगर आपके पास वीजा नहीं है तो आपको एयरपोर्ट से ही वापस दूसरी फ्लाइट में भेज दिया जाएगा। दुनिया के किसी भी देश में यह प्रोटोकॉल नहीं है कि बिना पासपोर्ट और बिना वीजा के कोई आदमी एक देश से दूसरे देश में जा सके, ऐसा कहीं नहीं होता। ब्रिटेन की रानी को अगर अमेरिका में जाना पड़े तो अमेरिका में बाकायदा पासपोर्ट लेना पड़ता है, वीजा भी लेना पड़ता है, तब ब्रिटेन की रानी अमेरिका जा सकती। अगर ब्रिटेन की रानी को जर्मनी जाना पड़े, फ्रांस जाना पड़े, तो फ्रांस की सरकारें बिना वीजा और पासपोर्ट के ब्रिटेन के किसी भी राजा या रानी को अपने देश में घुसने की परमिशन नहीं देते। वो लोग क्या मानते हैं कि ये हमारे देश के राष्ट्रीय सम्मान का प्रश्न है, इसलिए कभी भी ब्रिटेन की रानी अगर फ्रांस जाए, अमेरिका जाए या किसी भी ऐसे देश में जाए तो वहां पर उनको पासपोर्ट लेना ही पड़ता है, वीजा लेना ही पड़ता है। लेकिन हिंदुस्तान में रानी आई है बिना पासपोर्ट और वीजा के, क्यों? ऐसा क्यों है? एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि ब्रिटेन का साम्राज्य खत्म हो गया है, ब्रिटेन का राज्य खत्म हो गया है। पहले कभी ब्रिटेन की महारानी हमारी महारानी होती थी, अब तो हमारी महारानी वो नहीं है, क्योंकि अब तो अंग्रेजों का राज्य नहीं है इस देश में, अब तो अंग्रेजों का शासन नहीं है, अब तो अंग्रेजों की व्यवस्था नहीं चलती। तो जब यह देश गुलाम था अंग्रेजों का, उस जमाने में रानी अगर बिना पासपोर्ट और वीजा के आती थी तो समझ में आता था, क्योंकि वो अपने ही एक दूसरे देश में जाती थी। इंग्लैंड के लोग हिंदुस्तान को अपना एक उपनिवेश मानते थे, अपनी एक कॉलोनी मानते थे। तो चूंकि हमारा देश अंग्रेजों की एक कॉलोनी था और अंग्रेजों का एक उपनिवेश था, तो अंग्रेजों के किसी भी राजा को, अंग्रेजों के किसी भी अधिकारी को हिंदुस्तान में आने के लिए पासपोर्ट नहीं लेना पड़ता था, वीजा नहीं लेना पड़ता। तो यह बात अगर 1947 के पहले की होती तो मेरे जैसे आदमी को समझ में आने वाली बात थी, लेकिन आज तो अंग्रेजों के उपनिवेश हम नहीं हैं, ऐसा ही कहा जाता है ना, आज तो हम आजाद हैं, यही कहा जाता है ना। 15 अगस्त 1947 में यह देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गया है, यही बताया जाता है हमको। तो अगर आज हम अंग्रेजों के उपनिवेश नहीं हैं, आज हम उनके साम्राज्य के हिस्से नहीं हैं, तो ब्रिटेन की रानी को पासपोर्ट और वीजा के साथ ही इस देश में आने की अनुमति मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। तो ये दो बातें हैं, या तो हम ब्रिटेन के उपनिवेश हैं आज भी, तभी रानी बिना पासपोर्ट और वीजा के आ सकती है, और या हम ब्रिटेन के उपनिवेश अगर नहीं है तो रानी को पासपोर्ट और वीजा लेना चाहिए था। कभी भी दो सत्य एक साथ नहीं चलते। या तो यह सच है कि हिंदुस्तान आज भी ब्रिटेन का उपनिवेश है, तब तो रानी का बिना पासपोर्ट और वीजा के हमारे देश में आना समझ में आता है, और या फिर यह सच है कि हिंदुस्तान ब्रिटेन का गुलाम नहीं है, इसलिए रानी को पासपोर्ट और वीजा के साथ ही आना चाहिए। लेकिन घटना तो यह घटित हुई है कि रानी को पासपोर्ट और वीजा की जरूरत नहीं है, यह बात हिंदुस्तान की सरकार ने कही है। तो इसका एक ही अर्थ निकलता है, या तो यह अर्थ निकलता है, जैसे आप अगर विदेश जाएं और आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं तो हिंदुस्तान की नागरिक की हैसियत से आप दुनिया के किसी भी देश में जाइए घूमने के लिए, जब आप वापस अपने देश में आएंगे तो कोई आपसे पासपोर्ट नहीं पूछेगा, कोई वीजा नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा? दिल्ली के एयरपोर्ट पर या बंबई के हवाई अड्डे पर जब आप उतरते हैं, किसी भी दूसरे देश की यात्रा करके आप जब लौटते हैं, तो आपसे पासपोर्ट नहीं देखा जाता, आपसे वीजा के बारे में नहीं पूछा जाता। क्यों? क्योंकि आप इस देश के नागरिक हैं, और अगर आप भारत के नागरिक हैं तो अपने ही देश में आने के लिए आपको पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, वीजा की जरूरत नहीं। अगर आप भारत के किसी भी गांव में जाना चाहें, भारत के किसी भी प्रदेश में जाना चाहें,
तो आपको पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, वीजा की जरूरत नहीं है। तो ब्रिटेन की रानी अगर हिंदुस्तान में आई है तो या तो यह माना जाना चाहिए कि वो या तो हिंदुस्तान की नागरिक है, क्योंकि हिंदुस्तान के नागरिक को अपने देश में आने के लिए पासपोर्ट और वीजा की जरूरत नहीं है, या आज भी हिंदुस्तान ब्रिटेन का उपनिवेश है इसलिए रानी को पासपोर्ट और वीजा की जरूरत नहीं। इन दोनों में से कोई एक बात सत्य है, लेकिन यह सत्य बात हिंदुस्तान के बड़े बड़े नेताओं के दिमाग में आ नहीं रही है जो रानी के स्वागत में लगे हुए हैं। और हिंदुस्तान के जितने बड़े अखबार हैं उनमें से किसी भी अखबार में यह बात नहीं छपी है कि रानी को बिना पासपोर्ट और बिना वीजा के हिंदुस्तान में घुसने की अनुमति क्यों मिली और किसने दी। इससे दो ही बातें सिद्ध होती, या तो रानी हिंदुस्तान की नागरिक है और या हिंदुस्तान ब्रिटेन का उपनिवेश है। और अगर ये दोनों बातें सत्य हैं तो ये 15 अगस्त 1947 को हमारी आजादी की बात क्यों कही जाती है फिर, तो वो झूठ है इसका मतलब कि 15 अगस्त 1947 को हम आजाद ही नहीं हुए, क्योंकि अगर 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए होते तो आज हिंदुस्तान ब्रिटेन का उपनिवेश नहीं होता, और अगर हिंदुस्तान ब्रिटेन का उपनिवेश नहीं होता तो रानी को हिंदुस्तान में आने के लिए पासपोर्ट लेना पड़ता, वीजा लेना पड़ता। और इसलिए मैं बहुत दुखी हूं, आपके देश का राष्ट्रपति जब किसी दूसरे देश की यात्रा पर जाता है तो उस देश के प्रोटोकॉल के हिसाब से काम करना पड़ता है। और आपको मैं एक जानकारी दे दूं, आपके देश का राष्ट्रपति अगर अमेरिका की यात्रा पर जाए, आपके देश का प्रधानमंत्री अगर अमेरिका की यात्रा पर जाए, तो आपके राष्ट्रपति के जो अंगरक्षक होते हैं और आपके प्रधानमंत्री के जो अंगरक्षक होते हैं उनसे हथियार रखवा लिए जाते हैं एयरपोर्ट पर, और अंगरक्षकों को राष्ट्रपति के साथ चलने नहीं दिया जाता। अगर हमारे देश का राष्ट्रपति किसी दूसरे देश में जाए तो राष्ट्रपति के साथ जो फौज जाएगी, जो उनके अंगरक्षक जाएंगे, उनके हथियार वहां एयरपोर्ट पर रखवा लिए जाते हैं और उनको बिना हथियार अपने राष्ट्रपति के साथ जाने की अनुमति मिलती है। कई बार तो अंगरक्षकों को एयरपोर्ट पर रोक दिया जाता है और जाने भी नहीं देते। लेकिन ब्रिटेन की महारानी तो अपने साथ पूरे के पूरे अंगरक्षकों को लेकर आई है, उसको तो रोका नहीं गया इस देश में, उसके अंगरक्षकों को तो इस देश में आने की खुली छूट मिली है। बल्कि हिंदुस्तान के सिपाही रानी की रक्षा नहीं कर सकते इसलिए ब्रिटेन की सरकार कहती है कि हमने अपने अंगरक्षक भेजे हैं। और जिसने भी टेलीविजन देखा हो या अखबारों में पढ़ा हो, समाचार देखे हो, पढ़े हो या फोटोग्राफ देखे हो, उसमें बहुत स्पष्ट है कि रानी की रक्षा के लिए जितने अंगरक्षक आए हैं वो सब के सब ब्रिटेन से बुलाए गए। जबकि आपका राष्ट्रपति अगर जाए उनके देश में तो उसको अपने अंगरक्षक ले जाने की परमिशन नहीं है। क्यों? ये दूसरी बात भी यही सिद्ध करती है कि आपके देश की राजनीतिक गुलामी अभी भी बरकरार है। और तीसरी, उससे भी ज्यादा अपमान की बात है जो मेरे कलेजों को इस समय आग की तरह से चुभा रही है, वो अपमान क्या हुआ है? हिंदुस्तान की सरकार ने रानी के सम्मान में दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया और दिल्ली में सरकार का एक म्यूजियम है जिसका नाम है नेशनल म्यूजियम, राष्ट्रीय संग्रहालय है, उसने वो कार्यक्रम आयोजित किया। और उस कार्यक्रम के आयोजन के लिए जो निमंत्रण पत्र बांटे गए उन निमंत्रण पत्रों में राष्ट्रपति का नाम नीचे है, रानी का नाम ऊपर है। क्यों? हिंदुस्तान की सारी राष्ट्रीय अस्मिता और सम्मान को चोट पहुंचाई है जब रानी का नाम ऊपर है और हमारे देश के राष्ट्रपति का नाम नीचे है। और इस देश का राष्ट्रपति इस देश के संविधान का सबसे प्रमुख व्यक्ति है। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान का सबसे प्रमुख व्यक्ति है राष्ट्रपति, सारे राष्ट्र का प्रमुख व्यक्ति है वो।
और भारतीय संविधान के अनुसार वो राष्ट्र का प्रथम पुरुष है, पहला व्यक्ति है। तो जो हमारे राष्ट्र का पति है, जो राष्ट्र का प्रथम पुरुष है, जो भारतीय संविधान का सबसे प्रमुख व्यक्ति है, उसका नाम नीचे और एक विदेशी का नाम ऊपर, ये कैसे हो गया इस देश में? और इसको मैं भारतीय संविधान का सरासर अपमान मानता हूं, इसको मैं भारतीय राज्य व्यवस्था का सरासर अपमान मानता हूं। और ये अपमान आपकी सरकार ने किया है, क्योंकि वो निमंत्रण कार्ड भारत सरकार ने छपाया है। और अगर उस निमंत्रण कार्ड पर रानी का नाम ऊपर है, राष्ट्रपति का नाम नीचे है, तो ये दुर्घटना कब होती थी? ये दुर्घटना होती थी जब हिंदुस्तान गुलाम था अंग्रेजों का। और जब हिंदुस्तान गुलाम था अंग्रेजों का, तो अंग्रेजों का राजा इस देश में आया था जिसका नाम था जॉर्ज पंचम। सन 1911 में आया था वो इस देश में। तो जब जॉर्ज पंचम इस देश में आया था, तो जॉर्ज पंचम का नाम ऊपर था और हिंदुस्तान में जो वायसराय था अंग्रेजों का, उसका नाम नीचे था। तो उस जमाने में अगर यह दुर्घटना हुई, तो मैं मानने को तैयार हूं कि 1911 में यह देश ब्रिटेन का गुलाम था, उपनिवेश था, ब्रिटेन का शासन इस देश पर चलता था। लेकिन आज आजादी के 50 साल में अगर वही दुर्घटना हो रही है, तो कौन सी बात मैं मानूं? या तो यह देश ब्रिटेन का उपनिवेश है, तभी यह संभव हो सकता है कि ब्रिटेन की महारानी का नाम ऊपर हो और हिंदुस्तान के राष्ट्रपति का नाम नीचे हो। क्योंकि इंग्लैंड में और ब्रिटेन में यह परंपरा है, इंग्लैंड का जो प्राइम मिनिस्टर होता है, ब्रिटेन का जो प्राइम मिनिस्टर होता है, उसका नाम हमेशा रानी के नाम के नीचे होता, और ब्रिटेन में रानी की हैसियत राष्ट्रपति के बराबर की होती है। तो वहां रानी का नाम ऊपर होता है और ब्रिटेन की संसद का जो प्रधानमंत्री होता है, उसका नाम नीचे होता है, क्योंकि रानी ब्रिटेन की महारानी है। मेरे देश की तो नहीं है महारानी वो, लेकिन मेरे देश में यह क्यों हो गया? और ये कोई प्रिंटिंग मिस्टेक थी, ऐसा नहीं है। भारत सरकार ने बाकायदा इसके लिए तर्क दिया है कि हमने ये किया है और जानबूझकर किया है। और मैं ये इंतजार कर रहा हूं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट हमने बनाए हैं, ये संविधान की रक्षा करने के लिए बनाए हैं हमने। और अगर संविधान का अपमान हो रहा है, तो हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट खामोश क्यों है? क्यों नहीं पिछले 5 दिन में भारत सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्ट्रिक्चर इशू किया है? क्यों नहीं किया है? क्या हमने सुप्रीम कोर्ट इसलिए बनाए हैं कि यह खामोशी के बाद देश का अपमान होते हुए देखें, देश के संविधान का अपमान होते हुए देखें, इसलिए हमने बनाए हैं ये सुप्रीम कोर्ट? हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट खामोश है। इतने बड़े राष्ट्रीय अपमान के प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट बोल नहीं रहा है, सब खामोशी के साथ मुंह सिलकर बैठे हुए। और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की सारी राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेता खामोश हैं, किसी भी नेता का बयान नहीं आया है इतने बड़े राष्ट्रीय अपमान के प्रश्न पर। किसी भी राजनीतिक पार्टी ने बयान नहीं दिया है इतना बड़ा अपमान हुआ है इस देश का इस सवाल। और इस देश में कुछ राजनीतिक पार्टियों को तो हम राष्ट्रवादी कहते हैं, कुछ राजनीतिक पार्टियां तो भारतीय संस्कृति के लिए मरने मिटने को तैयार हैं, कुछ राजनीतिक पार्टियां तो भारतीय अस्मिता के लिए अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार है। ऐसी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी कोई बयान नहीं है आज तक। जो अपने आप को राष्ट्रवादी मानते नहीं, उनसे तो हम कोई उम्मीद कर नहीं सकते, लेकिन जो हमेशा से अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, उनकी तरफ से भी तो कोई बयान नहीं आया है। इतना बड़ा राष्ट्रीय अपमान का प्रश्न है ये। और उससे भी बड़ा राष्ट्रीय अपमान उस दिन हुआ जब रानी को दिल्ली में 21 तोपों की सलामी दी गई।
हिंदुस्तान में प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल क्या है कि जब कोई नया राष्ट्रपति पद ग्रहण करता है तब नए राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाती है, बाकी किसी को नहीं दी जाती। जब कोई नया व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है तब हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के प्रोटोकॉल के अनुसार उसको 21 तोपों की सलामी दी जाती है। सिर्फ इस देश का राष्ट्रपति हकदार है 21 तोपों की सलामी लेने के लिए, लेकिन ब्रिटेन की रानी के लिए 21 तोपों की सलामी दी गई है उस दिन जिस दिन वो उतरी है दिल्ली में। इससे बड़ा राष्ट्रीय शर्म का कोई दूसरा प्रश्न हो नहीं सकता। और ये जो राष्ट्रीय प्रश्न खड़ा हो गया है इस देश में, ये हर व्यक्ति से दो ही सवाल पूछ रहा है। मैं अपने आप से ये दो प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या हम आजाद हैं? क्या ये भारत ब्रिटेन का उपनिवेश नहीं है? और अगर ये ब्रिटेन का उपनिवेश नहीं है तो ये तमाशा क्यों हो रहा है? और या तो फिर हम ये कहें ईमानदारी से कि हम आज भी ब्रिटेन के उपनिवेश हैं, तो फिर 15 अगस्त 1947 क्यों मनाते हैं हम? फिर क्यों पिछले 50 साल से 15 अगस्त का नाटक चलता है इस देश में? क्यों मुझे मेरे बचपन से यह याद दिलाया गया है कि 15 अगस्त तुम्हारा स्वतंत्रता दिवस है? काहे का स्वतंत्रता दिवस है जब आज भी हम उसी गुलामी में फंसे हुए हैं जो कभी अंग्रेजों के जमाने में चला करती थी? और उससे भी ज्यादा अपमान मुझे लगा जब ब्रिटेन की रानी के सम्मान में वही गीत गाया गया जो जॉर्ज पंचम के सम्मान में 1911 में गाया गया था कलकत्ता में। कौन सा गीत था वो? हिंदुस्तान में ब्रिटेन के लोगों के समर्थक बहुत बड़ी संख्या में रहे, और ना सिर्फ ब्रिटेन के समर्थक रहे बल्कि अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले घराने इस देश में रहे। अंग्रेजों की जी हजूरी करने वाले घराने इस देश में रहे, और जिन खानदानों ने अंग्रेजों के जितने ज्यादा तलवे चाटे उन्हीं खानदानों का नाम इस देश में गर्व से लेते हैं लोग। जो अंग्रेजों के सबसे ज्यादा पिट्ठू बनकर रहे, जो अंग्रेजों के चरणों में साष्टांग बिछ जाते थे, ऐसे ही लोगों को इस देश के इतिहास में पढ़ाया जाता। और ऐसा ही एक खानदान था जो अंग्रेजों की गुलामी में आकंठ डूबा हुआ था, उस खानदान का नाम था टैगोर खानदान। और उस टैगोर खानदान का एक व्यक्ति था जिसका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। उस रविंद्रनाथ टैगोर ने जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए एक गीत लिख दिया था, और ना सिर्फ उस आदमी ने वो गीत लिखा बल्कि कलकत्ता में जब जॉर्ज पंचम पहुंचा और उस भरी सभा में जहां लाखों लोग उपस्थित थे हिंदुस्तान की गुलामी का गीत गाया गया और ब्रिटेन के राजा का सम्मान किया गया, और ये काम रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने मुंह से किया। और वो गीत कौन सा था जो रविंद्रनाथ टैगोर ने इंग्लैंड के राजा की स्तुति का गान करते हुए लिखा था? वो गीत वही है जिसको आप कहते हैं जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। बहुत शर्म आती है मेरे जैसे आदमी को जब वो गीत गाने के लिए कोई मुझे कहता है कि ये गाओ। क्यों गाएं उस गीत को? रविंद्रनाथ टैगोर तो चापलूसी करते थे अंग्रेजों की, रविंद्रनाथ टैगोर तो चाटुकार थे अंग्रेजों के, और रविंद्रनाथ टैगोर तो साइकोफेंट थे अंग्रेजों के, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों के राजा के सम्मान में वो गीत लिखा था। मैं तो नहीं हूं, मुझे तो अंग्रेजों की चापलूसी से कोई मतलब नहीं है, मैं तो अंग्रेजों का उससे ज्यादा विरोधी हूं जितना कोई हो सकता। लेकिन मेरे आजाद देश में उस गीत को बार बार गवाया जाए, ये मेरा राष्ट्रीय अपमान का प्रश्न है। और जिस गीत को अंग्रेजों के राजा जॉर्ज पंचम के स्वागत में गाया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, वही गीत 5 दिन पहले दिल्ली के एयरपोर्ट पर गाया गया महारानी के सम्मान में। आपने कभी ध्यान दिया है उस गीत के शब्द क्या हैं और उन शब्दों का मतलब क्या है? जन गण मन अधिनायक जय हे, हिंदुस्तान की जनता के मनों के अधिनायक तुम्हारी जय हो।
ये मतलब है। जनगण मन अधिनायक जय है, माने जॉर्ज पंचम तुम हिंदुस्तान की जनता के मनों के, जनता के गणों के अधिनायक हो, सुपर बॉस हो, इसलिए तुम्हारी जय हो। ये रविन्द्रनाथ टैगोर गा रहे हैं। भला इससे ज्यादा चाटुकारिता का दूसरा कोई प्रमाण मिल सकता? इससे ज्यादा साइको फैंसी का दूसरा कोई प्रमाण आपको मिल सकता? और दूसरी लाइन है, जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, माने तुम भारत के भाग्य विधाता हो, माने हमारा भाग्य तुम लिख रहे हो। ये तो कोई भगवान से भी नहीं कहता है, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ने तो हिंदुस्तान के साम्राज्यवादी राजा का प्रतीक जो जॉर्ज पंचम था, उसको भगवान से भी ऊपर रख दिया था कि तुम तो भारत के भाग्य विधाता हो। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग, विंध हिमाचल यमुना जंगा, उच्छल जलधि तिरंग, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। माने पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग, ये सारा हिंदुस्तानी इलाका तुम्हारे लिए आशीष मांग रहा है, तब शुभ आशीष मांगे, तुम्हारी भलाई की प्रार्थना कर रहा है। ये पूरा हिंदुस्तान जो अंग्रेजों की गुलामी में सिसक रहा था, उसको रविन्द्रनाथ टैगोर लिख रहे हैं कि ये सारा का सारा हिंदुस्तान तुम्हारे लिए आशीष मांग रहा है, तब शुभ आशीष मांगे। और वो सारी की सारी आशीष हम तुमको दे रहे हैं अपनी तरफ से। और अंत में जनगण मंगलदायक जय है, भारत भाग्य विधाता, वही भारत के भाग्य विधाता, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा कल्याण हो। माने जो हमको गुलाम बनाने के लिए आए हैं, उनकी चाटुकारिता में कोई आदमी कितना बिच सकता है, इसका ये निकृष्ट नमूना है। और अंत में वो कह रहे हैं कि जय है, जय है, जय है, माने तुम्हारी ही जय है, तुम्हारी ही जय है, तुम्हारी ही जय है। ऐसा गुलामी का प्रतीक गीत, ये गुलामी के दिनों में गाया गया एक ऐसे हिंदुस्तानी की तरफ से जिसको शायद आप बड़े श्रद्धा की नजर से देखते हैं। और ये गीत जब गा दिया था उन्होंने और चरणों में बिछ गए थे रविंद्रनाथ टैगोर, तब अंग्रेजों ने उनको नोबल प्राइज दिलवा दिया था पुरस्कार के रूप में। रविन्द्रनाथ टैगोर को ऐसे ही नोबल प्राइज नहीं मिला था, अंग्रेजों ने कुछ नियम बनाए थे, कुछ परंपराएं बनाई थी। और अंग्रेजों के नियम क्या थे? जो अंग्रेजों की जितनी ज्यादा चाटुकारिता करे, जो अंग्रेजों के जितने ज्यादा पैर चाटे, उसी को अंग्रेजी सरकार राय बहादुर का खिताब देती थी, उसी को अंग्रेजी सरकार हिंदुस्तान में और इंग्लैंड में नाइटहुड की पदवियां दिया करती थी। ऐसे ही लोगों को अंग्रेजों की तरफ से इनाम मिलते थे, क्योंकि वो अंग्रेजों के चरण चाटते थे और हिंदुस्तान को गालियां देते थे। और ऐसे चरण चाटू लोग, आपने नाम सुना है, हिंदुस्तान के राजाओं के दरबार में कुछ चारण और भाट हुआ करते थे। वो चारण और भाट क्या करते थे? राजा चाहे जितना गंदा हो, चाहे जितना बदमाश हो, चाहे जितना लफंगा हो, लुच्चा हो, वो चारण और भाट हमेशा राजा की प्रशंसा ही करते थे। बदले में राजा उनको कुछ इनाम बांटता था। ऐसे चारण भाटों का खानदान है ये टैगोर खानदान, जिन्होंने ये गीत लिखा है। और मेरा अंदर से रोम रोम कांप जाता है जब कोई मुझे कहता है कि राजीव भाई जनगणमन गाइए। क्यों गाए? हिंदुस्तान का गीत नहीं है जनगणमन अधिनायक जय, हिंदुस्तान का गीत तो वंदे मातरम रहा है। और ये वंदे मातरम जैसा गीत जो हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई का प्रतीक था, जो हिंदुस्तान के लोगों में खून में जोश भरने का काम करता था, उस वंदे मातरम जैसे गीत को हिंदुस्तान में राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिलवाने में 50 साल लग गया हमको, अब जाके हुआ है। लेकिन जो गुलामी के जमाने का गीत था जनगण मन अधिनायक जय है, वो आजादी के तुरंत बाद हिंदुस्तान के उन गुलाम लोगों ने, जो शरीर से आजाद होंगे लेकिन दिमाग से गुलाम होंगे, हिंदुस्तान का राष्ट्रीय गीत बनाया था उन्होंने। और आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि कांग्रेस के दो अधिवेशन हुए थे, जिन दोनों अधिवेशनों में यह फैसला हुआ था सर्वसम्मति से
कि हिंदुस्तान की आजादी के बाद जनगण मन हमारा राष्ट्रगीत नहीं रहेगा। यह फैसला हुआ था कांग्रेस की समिति में, लेकिन उन्हीं कांग्रेस के लुच्चे नेताओं ने आजादी के बाद उसी को अपने देश का राष्ट्रीय गीत घोषित करवा दिया। इससे ज्यादा शर्म की दूसरी बात कोई हो नहीं सकती। और वो गीत जिस तरह से गाया गया था, जॉर्ज पंचम की अगुवाई करने के लिए, जॉर्ज पंचम का स्वागत करने के लिए कलकत्ता में लाखों लोगों के बीच में, वही गीत अब फिर गाया गया है महारानी के सम्मान में उस दिन दिल्ली के एयरपोर्ट पर। कैसे कहें कि यह देश आजाद है? 1911 में जो हमने सुना है वही तो आज हम हमारी आंखों के सामने देख रहे हैं। उस जमाने में चारण भाटों का काम टैगोर जैसे खानदान के लोग करते थे, आज भी चारण भाटों की कमी नहीं है। जो रात दिन महारानी के सम्मान में कविताएं लिख रहे हैं, लेख लिख रहे हैं, मैं तो पिछले 6 दिनों से अखबार पढ़ रहा हूं, इस देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अंग्रेजों के समर्थन में, रानी के समर्थन में अपनी लेखनी घिसे चले चले जा रहे हैं, इसी उम्मीद में कि शायद फिर से अंग्रेजों की दया दृष्टि हो जाए तो हमको भी कोई नोबेल प्राइज मिल जाए या राय बहादुर का खिताब मिल जाए। ये देश के राष्ट्रीय अपमान का विषय है और इसलिए पिछले 1 हफ्ते से मैं बहुत दुखी हूं। एक दूसरी जानकारी और दूं कि 1911 में जब जॉर्ज पंचम आया था तो हिंदुस्तान में ऐसे हजारों लोग थे जिन्होंने जॉर्ज पंचम का विरोध किया था। कांग्रेस के अंदर गरम दल नाम का जो तबका था उसने जॉर्ज पंचम का भयंकर विरोध किया था, जिसमें लोकमान्य तिलक जैसे लोग शामिल थे। लोकमान्य तिलक जॉर्ज पंचम का हिंदुस्तान आना राष्ट्रीय अपमान मानते थे, इसलिए उन्होंने कॉल दिया था कि जॉर्ज पंचम के समारोह में कोई भी हिंदुस्तानी जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहता है वो जाएगा नहीं, और जो भी अपने आप को राष्ट्रवादी मानते थे वो गए नहीं थे जॉर्ज पंचम के सम्मान। तो तिलक जैसे नेताओं ने उस जमाने में विरोध किया था और तिलक के जो सहयोगी थे उनके ऊपर जॉर्ज पंचम को काले झंडे दिखाने के आरोप में लाठियां चलाई गई थी और उनको जेल में बंद किया गया। तो जॉर्ज पंचम का विरोध जिन्होंने किया, जो हिंदुस्तान को अपनी मां मानते थे, जो मातृभूमि मानते थे और हिंदुस्तान का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, ऐसे लोगों ने जब जॉर्ज पंचम को काले झंडे दिखाए थे तो अंग्रेजी सरकार ने उन पर लाठी चार्ज किया था और पकड़कर जेल में बंद कर दिया था। वही पिछले 1 हफ्ते पहले फिर हुआ है। शायद आपको मालूम नहीं, दिल्ली के अखबारों में तो यह छपा है, बंबई के अखबारों में यह नहीं छपा है। मेरे आजादी बचाओ आंदोलन के 1500 से ज्यादा कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज हुआ उस दिन दिल्ली में, इसलिए कि हमने महारानी का विरोध किया था उस दिन एयरपोर्ट पर। माने हमारे ही देश की पुलिस हम ही को पीट रही थी। क्यों? क्योंकि हम महारानी का विरोध कर रहे हैं। विरोध क्यों कर रहे हैं? हम सत्य बोल रहे हैं, इसलिए हमको मार खानी पड़ी थी। मैं तो दुर्भाग्य से उस दिन बंबई में था, लेकिन मेरे 1500 साथी जेल में ठूंस दिए गए हैं, अभी भी उनकी जमानत नहीं है। और हमने भी संकल्प लिया है कि हमने कोई अपराध किया नहीं है, इसलिए हम जमानत नहीं लेंगे। देखें हिंदुस्तान की पुलिस और देखें हिंदुस्तान की सरकार कितने दिन उनको जेल में बंद रखती। हमने देश के सम्मान के प्रति अपने साथियों को दांव पर लगाया और उन 1500 साथियों में आप यह सुनकर आश्चर्य करेंगे, ताज्जुब करेंगे कि बहनों की संख्या 300 है, उन 300 बहनों पर भी पुलिस ने लाठी चार्ज किया। क्यों किया है? क्योंकि रानी का विरोध कर रहे थे वो लोग, सत्य बोल रहे थे, इसलिए लाठी चार्ज हुआ। हमारी पुलिस हम ही को पीट रही थी। तो मेरे दिमाग में वो दृश्य घूम गया कि सन 1911 में जब लोकमान्य तिलक और उनके सहयोगियों ने जॉर्ज पंचम का विरोध किया होगा तो जिस तरह से उनको लाठियों से पीटा गया होगा वही दृश्य अभी दिल्ली में यह घटित होकर चुका है। उस जमाने में तो हम मान सकते हैं कि अंग्रेजों की सरकार थी, इसलिए जॉर्ज पंचम का विरोध करने का माने अंग्रेजों का विरोध करना और अंग्रेजों का विरोध करना माने अंग्रेजी सरकार के अत्याचारों को निमंत्रण देना। लेकिन आज तो हमारी सरकार है, आज तो अंग्रेजी सरकार नहीं है। ये हम कैसे भूलें कि जो सरकार चला रहे हैं वो हमारे ही वोट से चुनकर गए हैं, वो अंग्रेजों के प्रतिनिधि नहीं है।
ये हम कैसे भूलें कि इन नेताओं को आपने हमने ही वोट देकर चुनकर भेजा है दिल्ली में, और वो नेता ब्रिटेन की रानी की रक्षा करने के लिए हिंदुस्तान के नागरिकों पर लाठीचार्ज करवा सकते हैं। ये 1911 में होता था, वो आज क्यों हो रहा? इसलिए मेरा दिल बहुत दुखी कि ये क्या हो रहा है इस देश में, कौन सी आजादी है और कैसी आजादी है। और इस राष्ट्रीय अपमान के प्रश्न को दुर्भाग्य से हिंदुस्तान की कोई राजनीतिक पार्टी उठा नहीं रही है, क्योंकि सबको डर लगता है। क्या डर लगता है? कि हो जाए साल दो साल में हमारे हाथ में सत्ता आए तो सब तो अपना कैलकुलेशन कुर्सी और सत्ता के हिसाब से करते, कोई भी राष्ट्र के हिसाब से कैलकुलेशन करता नहीं। इस गलतफहमी में आप मत रहिए कि राष्ट्रवादी लोग राष्ट्र के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं। अगर वो राष्ट्र के हिसाब से कैलकुलेशन करते तो उन लोगों के साथ कभी नहीं सोते जिनको जिंदगी भर वो गालियां देते रहे। सबके कैलकुलेशन अपने कुर्सी के हिसाब से हैं, अपने सत्ता के हिसाब से हैं। इतनी अकेले नहीं आई, उसके साथ ब्रिटेन की कंपनियों के बड़े बड़े अधिकारियों का पूरा दल आया है। ब्रिटेन की जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, ब्रिटेन की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन कंपनियों के बड़े बड़े अधिकारियों का पूरा दल आया है, पूरा दस्ता आया है। रानी अकेले नहीं आई, जॉर्ज पंचम भी अकेले नहीं आया था। 1911 में जब जॉर्ज पंचम आया था तो उसके साथ ब्रिटेन की उस जमाने की कंपनियों के बड़े बड़े अधिकारी आए थे। क्यों आए थे? जॉर्ज पंचम और उसके साथ उस जमाने में ब्रिटेन की कंपनियों के अधिकारी क्यों आए थे? क्योंकि जॉर्ज पंचम यह कहता था कि मेरे साथ जो ब्रिटिश कंपनियों के अधिकारी आए हैं वो हिंदुस्तान में अपना बाजार स्थापित करेंगे, इसके लिए मैं उनको लेकर आया हूं। तो हिंदुस्तान को ब्रिटेन ने अपना बाजार बनाया था, और चूंकि यह देश ब्रिटेन का बाजार बन गया था इसलिए इस देश को गुलाम बनाया था उन्होंने। तो आज भी महारानी आई है तो अपने साथ सैकड़ों अमेरिका और ब्रिटेन की कंपनियों के अधिकारियों को लेकर आई है ताकि वो लोग भी हिंदुस्तान में अपना बाजार बना सके, जैसा कभी ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने में होता था। और रानी को हिंदुस्तान में ऐसे ही सद्भावना के तहत नहीं भेजा गया है, रानी को हिंदुस्तान में भेजा गया है बहुत सोची समझी गई प्लानिंग के साथ। आप में से शायद कम लोग जानते होंगे कि इस समय ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था बहुत गहरे संकट में है। ब्रिटेन में भयंकर रूप से आर्थिक मंदी चल रही है, और ब्रिटेन में जो भयंकर रूप से आर्थिक मंदी चल रही है उसके परिणाम स्वरूप ब्रिटेन की हजारों हजारों कंपनियां अपने कारखाने बंद कर रही हैं, मजदूरों की छटनियां की जा रही हैं। पिछले 6 साल में ब्रिटेन में 1.5 से 2 लाख मजदूरों की छटनियां की गई हैं कारखाने बंद करके। तो ब्रिटेन में भयंकर मंदी चल रही है, उस मंदी के कारण बेरोजगारी पैदा हो रही है, उस बेरोजगारी के कारण ब्रिटेन में गरीबी पैदा हो रही है। और ब्रिटेन आज यूरोप का एक ऐसा देश है जहां सबसे बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है इस समय। ब्रिटेन में इस समय अनएम्प्लॉयमेंट का रेट 12-13% के आसपास है, हिंदुस्तान से भी 4% ऊपर है। हिंदुस्तान में 8-9% है, वहां 12-13% है। तो भयंकर अनएम्प्लॉयमेंट है ब्रिटेन में, भयंकर गरीबी है, और उस गरीबी को दूर करने की बजाय वहां की सरकार ने पिछले 5-6 सालों में लोगों के ऊपर जबरदस्त टैक्स लगाए हैं ब्रिटेन। और ब्रिटेन के लोगों पर जब जबरदस्त टैक्स लगा दिए थे जॉन मेजर की सरकार ने, तो जॉन मेजर की सरकार को हारना पड़ा और ये टोरीज लोग जीत गए। टोनी ब्लेयर कैसे जीते और जॉन मेजर क्यों हारे? उसका एक ही मूल था कि जॉन मेजर अपने ब्रिटेन की आर्थिक मंदी को दूर नहीं कर पाए, बेरोजगारी बढ़ती चली गई, भुखमरी बढ़ती चली गई, गरीबी बढ़ती चली गई, इसलिए वहां की जनता ने जॉन मेजर को नकार दिया और टोनी ब्लेयर के हाथ में सत्ता सौंपी है। लेकिन टोनी ब्लेयर भी कह रहे हैं कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जो ब्रिटेन की डूबती हुई अर्थव्यवस्था को मैं कुछ किनारे लगा सकूं, कोई मेरे पास जादू की छड़ी नहीं है। तो क्या किया जाए?
ब्रिटेन की आर्थिक मंदी है, क्योंकि आर्थिक मंदी के दौर में क्या होता है, सामान बिकना बंद हो जाता है, सामान बिकते नहीं, गोदाम भरे रहते हैं, कारखानों में उत्पादन चलता रहता है, उत्पादन के बाद गोदाम भरते चले जाते हैं, लेकिन माल बाजार में बिकता नहीं है, डंप होता चला जाता। तो माल बेचने के लिए बाजार चाहिए, तो हिंदुस्तान में महारानी बाजार तलाशने के लिए आई है। इस बात को आप समझ लीजिए कि इस समय ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था डूब रही है और ब्रिटेन बर्बादी के कगार पर खड़ा है। एक जमाने में ब्रिटेन जरूर साम्राज्यवादी देश था, लेकिन आज ब्रिटेन की कोई औकात नहीं है। यूरोप में कोई देश ब्रिटेन को 2% में पूछता नहीं है, बल्कि बात यह चल रही है कि जो कॉमन यूरोपियन मार्केट बनने वाला है उसमें ब्रिटेन रहेगा कि नहीं रहेगा, इस पर यूरोप के देश एकमत नहीं है। फ्रांस कहता है कि इस ब्रिटेन की हमको जरूरत क्या है, ये हमारे किस काम का। जर्मनी कहता है ब्रिटेन हमारे किस काम का। और फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों ने ब्रिटेन की एंट्री पर वीटो लगा दिया है, इसलिए ब्रिटेन बर्बादी के कगार पर खड़ा है। और उस बर्बादी को खत्म करना है, ब्रिटेन की आर्थिक मंदी को दूर करना है, ब्रिटेन की बेरोजगारी को दूर करना है, ब्रिटेन की गरीबी को दूर करना है, इसलिए ब्रिटेन की कंपनियों के अधिकारी रानी के साथ हिंदुस्तान में आए हैं बाजार तलाशने के लिए। और वो बाजार तलाशने के लिए वही प्रयास कर रहे हैं जो एक जमाने में जॉर्ज पंचम ने किया था। उनको ब्रिटेन का माल हिंदुस्तान में बिकवाना है, उनको ब्रिटेन के सामान हिंदुस्तान में बिकवाने हैं, उनको ब्रिटेन की कारें हिंदुस्तान में बिकवानी है। इसलिए ब्रिटेन की सबसे बड़ी कार बनाने वाली कंपनी रोल्स रॉयस का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रानी के साथ आया है। रोल्स रॉयस का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यह कहता है कि जितनी मारुति हिंदुस्तान में एक साल में बिकती है, अगर उतनी रोल्स रॉयस बिकना शुरू हो जाए तो हमारी कंपनी का तो कल्याण हो जाएगा। तो वो आपके देश में अपना बाजार बनाने के लिए आए हैं, ना कि आपके प्रति उनके मन में कोई सदाशयता है, ना आपके प्रति उनके मन में कोई दया पैदा हो गई है। इस राजनीति को समझिए, ये बहुत ऊंचे स्तर की राजनीति इस देश में चल रही है, और उस राजनीति को प्रोटोकॉल के तहत इस देश में स्थापित किया जा रहा है। कभी अगर ये ब्रिटेन के अधिकारी चाहते और ब्रिटेन की कंपनियां चाहती तो वो सीधे हिंदुस्तान में आ सकते थे, लेकिन सीधे नहीं आए, अपने साथ रानी को लेकर आए हैं, क्योंकि रानी ट्रंप कार्ड है और वो ट्रंप कार्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं इस देश की अर्थव्यवस्था में अपने सामान बेचकर। और हिंदुस्तान की सरकार के साथ रानी के प्रतिनिधिमंडल की जो बातें चल रही हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो चल रही है वो समझने वाली है। वो बात क्या चल रही है, ब्रिटेन की रानी चाहती है कि ब्रिटेन का जितना माल हिंदुस्तान में आए वो सब टैक्स फ्री हो, उस पर टैक्स ना लगाया जाए या कम से कम टैक्स लगाया जाए। क्यों? ताकि ब्रिटेन का माल इस देश में सस्ता बिके और हिंदुस्तानी माल महंगा बिके। ये नीति आज की नहीं है, 250 साल पुरानी अंग्रेजों की पुरानी नीति है ये। उस जमाने में भी अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को अपना बाजार बनाया था तो अंग्रेजों ने एक ही नीति चलाई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का माल टैक्स फ्री बिकता था और हिंदुस्तानी कंपनियों के माल पर टैक्स लगाया जाता था, और हिंदुस्तानी कंपनियों पर 1-1000% का टैक्स लगाया जाता था और ब्रिटेन का माल टैक्स फ्री बिकता था। तो अंग्रेजों को फायदा क्या हुआ था कि जिन अंग्रेजों का माल दुनिया में कहीं नहीं बिकता था उन्हीं अंग्रेजों का माल हिंदुस्तान में बिकना शुरू हो गया था। ब्रिटेन की महारानी दूसरी बातचीत क्या कर रही है, ब्रिटेन की महारानी हिंदुस्तान सरकार से दूसरी बातचीत कर रही है कि हिंदुस्तान का जो कच्चा माल है, जो रॉ मटेरियल है, वो कौड़ी के दाम में, सस्ते से सस्ते दाम में ब्रिटेन को मिले और ब्रिटेन उसको पक्का माल बनाकर वापस हिंदुस्तान में लाकर बेचे। ये बात चल रही है, और इसलिए ब्रिटेन की रानी के साथ जो अंग्रेजों की कंपनियों के अधिकारी आए हैं वो क्या बातें कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं
कि हिंदुस्तान की सोने की खदान अंग्रेजी कंपनियों को मिल जाए, हिंदुस्तान की चांदी की खदानें अंग्रेजी कंपनियों को मिल जाए, हिंदुस्तान की चांदी की खदानें अंग्रेजी कंपनियों को मिल जाए, हिंदुस्तान की कॉपर और आयरन ओर की खदानें अंग्रेजी कंपनियों को मिल जाए, हिंदुस्तान के जो तेल के कुएं हैं वो तेल के कुएं अंग्रेजी कंपनी है जिसका नाम है शेल, SHELL, ये इंग्लैंड की सबसे बड़ी ऑयल एक्सप्लोरेशन की सबसे बड़ी कंपनी है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट बेचने वाली सबसे बड़ी कंपनी है अंग्रेजों की शेल। तो शेल के अधिकारी आए हैं रानी के साथ इस तलाश में कि हिंदुस्तान में जहां जहां तेल के कुएं हैं वो शेल कंपनी को मिल जाए। तो सब तो गिद्ध की नजर लेके आए हैं कि जहां जहां हिंदुस्तान में कुछ मिले उसको नोच कर खा लो जैसे कभी पहले खाया था। ये बातें चल रही हैं ब्रिटेन की रानी के साथ और दनादन हिंदुस्तान की सरकार एग्रीमेंट साइन कर रही है ब्रिटेन की रानी के साथ। और जो एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं उन एग्रीमेंट के साइन करते समय जानते हैं क्या तमाशा होता? हमारे देश का प्रधानमंत्री ब्रिटेन के दूसरे मंत्रियों के साथ मुस्कराते हुए हाथ मिलाता और एक फाइल वो ब्रिटेन के मंत्री के हाथ में पकड़ाता है, दूसरी फाइल अपने हाथ में पकड़ता है और देश की संपत्ति बिकने का समझौता हो जाता है। और ये सब कुछ मुस्कराते हुए चलता है। अगर आप समाचार देखते हो तो यही दृश्य दिखाई देते होंगे आपको। उस फाइल के अंदर क्या समझौता हुआ है ये कभी आपको नहीं बताया जाता। हिंदुस्तान की जनता को यह नहीं बताया जाता कि तुम्हारे देश का हमने कौन सा हिस्सा बेच दिया। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट को भी नहीं बताया जाता कि तुम्हारे देश के कौन से हिस्से का समझौता हमने कर लिया। और यह यात्रा नहीं है ब्रिटेन की महारानी की, यह हिंदुस्तान की तबाही के ताबूत में एक कील ठोंकी जा रही है। यह यात्रा जो है हमारे लिए आने वाले समय में ऐसा सिद्ध होने वाली है कि आप परेशान हो जाएंगे कि क्या क्या कर लिया इस देश की सरकार। और इसलिए मैं बहुत दुखी हूं पिछले 5-6 दिनों से कि यह देश बिक रहा है मेरी आंखों के सामने और ब्रिटेन की रानी और उसके साथ जो अधिकारी आए हैं वो खरीद रहे हैं इस देश की संपत्ति को, लेकिन सब राजनीतिक पार्टियां मौन हैं और पार्लियामेंट भी चुप है, सुप्रीम कोर्ट भी बोलता नहीं है, हाई कोर्ट भी बोलता नहीं है। जिनको बोलने के लिए ही हमने भेजा था वहां पार्लियामेंट, वो सब दुम छल्ले बनकर उनके आगे पीछे घूम रहे। दो तो ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं इस देश में, सीपीएम और सीपीआई। वो कहते हैं कि हमारा तो जन्म ही हुआ है साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ने के लिए। तो वो साम्राज्यवाद के खिलाफ कैसे लड़ रहे हैं? ब्रिटेन की रानी को फूल हार पहना रहे हैं उनके मंत्री, ऐसे साम्राज्यवाद के खिलाफ वो लड़ रहे हैं इस देश। किसको कहें? कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे हिंदुस्तान के राजनीति के कुएं में भांग पड़ी हुई है, जो पीता है वही बौरा जाता है, जो पीता है वही पागल हो जाता है। कोई एक भी सेंस वाला नेता इस देश में दिखाई नहीं दे रहा। जिसकी जरा भी दूरदृष्टि हो वो देख नहीं रहे हैं हम इस देश में कोई भी एक ऐसा नेता। और ब्रिटेन की रानी का आना ये आपके देश की राजनीतिक गुलामी का एक प्रतीक है। और शायद ये सच ही है, ब्रिटेन की रानी जब हिंदुस्तान में आई है, आप में से बहुत कम जानते हैं कि ब्रिटेन की रानी हिंदुस्तान की नागरिक है। कौन से कानून के आधार पर आप पूछेंगे अगर मुझसे, तो कानून कौन सा? 1897 में इस देश में एक कानून बनाया गया था जिसका नाम है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट। और 1897 में वो जो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट का कानून बनाया गया, उस कानून में ये प्रावधान है कि कोई भी ब्रिटेन का व्यक्ति हिंदुस्तान का नागरिक हो सकता है। और ये कानून अंग्रेजों ने बनाया आज से 100 साल पहले। आप चाहें तो इस कानून की प्रतियां बाजार में बिकती हैं, भारत सरकार ने पब्लिश किया है। इस कानून का टाइटल है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1897। किसी भी कानून की किताब बेचने वाली दुकान पर आपको यह मिल जाएगा,
7 रुपए की कॉपी आती है, खरीद लीजिए और पढ़ लीजिए। उसका प्रोविजन बहुत स्पष्ट कहता है कि कोई भी ब्रिटेन का नागरिक हिंदुस्तान का नागरिक हो सकता है। और ये 1897 का 100 साल पुराना कानून 1997 में भी चल रहा है, और उसी कानून के आधार पर रानी बिना पासपोर्ट और वीजा के इस देश में आई है। और दूसरी बात का जवाब मैं आपको दे रहा हूं कि क्या हम आज भी ब्रिटेन के उपनिवेश हैं, तो आप अगर ये जानना चाहते हैं तो 1946 का एक कानून है जिसका नाम है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, वो खरीद कर पढ़ लीजिए, इसका जवाब आपको वहां मिल जाएगा। 1946 का जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है वो अंग्रेजों ने पारित किया था लंदन में, और अंग्रेजों ने 1946 के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को पारित करने के बाद क्या किया था, उस कानून के पारित होने के बाद भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया था अंग्रेजों ने। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा अंग्रेजों ने किया था बाकायदा कानून बनाकर, और उस कानून का नाम है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। और उस कानून की प्रस्तावना में, प्रीएम्बल में बहुत साफ साफ लिखा है कि इस कानून के लागू होने के बाद भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन स्टेट्स बनेंगे। डोमिनियन स्टेट्स का माने क्या होता है? एक बड़े राज्य के अधीन छोटा राज्य। डोमिनियन स्टेट्स का अगर शब्द अर्थ जानना चाहे तो चैंबर्स की डिक्शनरी खोल लीजिए, ऑक्सफोर्ड वाली खोल लीजिए, दुनिया की किसी भी अंग्रेजी किताब की डिक्शनरी खोल लीजिए। डोमिनियन स्टेट्स का माने एक बड़े स्टेट के अधीन एक छोटा राज्य, माने हम भारत और पाकिस्तान 1946 के उस कानून के आधार पर डोमिनियन स्टेट्स बनाए गए हैं, ना कि इंडिपेंडेंट नेशन। और डोमिनियन स्टेट्स और इंडिपेंडेंट नेशन में बहुत फर्क है। और हम डोमिनियन स्टेट्स हैं किसके? हिज हाईनेस माने यूनाइटेड किंगडम की रानी, उसके हैं हम डोमिनियन स्टेट्स। 1946 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट भी बाजार में मिलता है, आप खरीद लीजिए, वो भी 10 रुपए का आता है। उस कानून को पूरा पढ़े या ना पढ़े, उसका प्रीएम्बल पढ़ लीजिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि क्यों ब्रिटेन की महारानी का नाम हिंदुस्तान के राष्ट्रपति के नाम के ऊपर है। इसका जवाब मिलता है 1946 के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के कानून। और अगर 1946 के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के कानून में हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो डोमिनियन स्टेट्स बने हैं, तो हम इंडिपेंडेंट नेशन कहां हैं फिर? तब आजाद कहां हैं हम? और शायद आप में से बहुत कम लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान की जो एंट्री है कॉमनवेल्थ कंट्रीज में, तो कॉमनवेल्थ में हमारी एंट्री एज ए ब्रिटिश डोमिनियन करके है, ना कि इंडियन रिपब्लिक के नाम से है। और ये इतना गंभीर प्रश्न है, ये गंभीर प्रश्न हिंदुस्तान की आजादी के समय उठाया जाना चाहिए था, और कुछ लोगों ने उठाया भी था, लेकिन उनकी बात को किनारे कर दिया गया, क्योंकि उस जमाने के जो बड़े नेता थे उनको सत्ता की और कुर्सी की वैसी ही भूख थी जैसी आज सीताराम केसरी को है। मैं आपसे बहुत विनम्र शब्दों में कह रहा हूं कि पंडित नेहरू के मन में जितना लालच था कुर्सी का और सत्ता का, वो उतना ही है जितना सीताराम केसरी के मन में है, कोई फर्क नहीं है। पंडित नेहरू एक मिनट भी प्रधानमंत्री पद की कुर्सी मेरे हाथ से चली जाए इसके लिए तैयार नहीं थे, और इतिहास इस बात को अभी खोदेगा किसी दिन तो जवाब मिलेगा कि हिंदुस्तान में सरदार पटेल के नाम पर कांग्रेस में जब वोट पड़ा था, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई थी, और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में यह फॉर्मूला निकाला गया था कि कांग्रेस के तमाम प्रदेशों के अध्यक्ष जिस नाम पर वोट डालेंगे वही आदमी हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री बनेगा।
और इसका फॉर्मूला कैसे बनाया गया था कि जिस आदमी के नाम पर सबसे ज्यादा वोट पड़ेंगे वो कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनेगा और कांग्रेस का प्रेसिडेंट ही हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। ये फॉर्मूला कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने निकाला था और उस फॉर्मूले के आधार पर वोट डलवाए गए थे। और उस जमाने में कांग्रेस में 15 प्रदेश अध्यक्ष थे और 15 प्रदेश अध्यक्षों ने जब वोट डाला तो उनमें से 14 वोट सरदार पटेल के पक्ष में पड़े थे, एक वोट पंडित नेहरू के पक्ष में पड़ा था सिर्फ। और जब पंडित नेहरू के पक्ष में एक वोट पड़ा तो पंडित नेहरू हार गए और सरदार पटेल जीत गए। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के फॉर्मूले के आधार पर सरदार पटेल को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना तय हुआ और सरदार पटेल जब अध्यक्ष बनेंगे तो वही हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनेंगे, यह भी तय हुआ। तब उस समय पंडित नेहरू ने कितनी गद्दारी का काम किया उसकी एक घटना मैं आपको सुनाता हूं। बहुत कम लोग जानते हैं कि जिस आदमी को आप चाचा नेहरू कहते रहे उसने सारे देश को कैसे बेचा है, उसकी आप घटना सुनिए। तो पंडित नेहरू के चरित्र में और सीताराम केसरी के चरित्र में आपको कोई फर्क नहीं समझ में आएगा। हुआ क्या, जब सरदार पटेल वोट जीत गए 14 वोटों से, मैसिव मेजोरिटी से, तो तय हो गया कि अब तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट सरदार पटेल बनेंगे। और पंडित नेहरू हार गए, जमानत जब्त हो गई। कारण क्या था, पंडित नेहरू को कांग्रेस में कोई पसंद नहीं करता था, यह सबसे बड़ा सच है। कांग्रेस में कोई पंडित नेहरू को पसंद नहीं करता था। क्यों? उसका कारण था कि पंडित नेहरू चुरूट भी पीते थे, सिगरेट भी पीते थे, और लेडी माउंटबेटन के साथ उनके जो संबंध थे उनके बारे में कांग्रेस का बच्चा बच्चा जानता था। नेहरू जैसा चरित्रहीन व्यक्ति इस देश में शायद ही कोई दूसरा होगा, यह मैं कह रहा हूं। और उस कन्विक्शन के आधार पर जो नेहरू के बारे में जानकारियां मुझे मिली, और आप अगर ये जानकारियां देखना चाहें तो मेरे पास ऐसे 4 फोटोग्राफ हैं जो पंडित नेहरू की धज्जियां उड़ा सकते हैं इस देश में। उनमें से 2 फोटोग्राफ तो अभी छप चुके हैं। आपने अगर 15 अगस्त 1997 की इंडिया टुडे पढ़ी हो, और नहीं पढ़ी हो तो जरूर खरीद लीजिए कहीं से मिल जाए तो। उस 15 अगस्त 1997 की इंडिया टुडे में पंडित नेहरू के 2 फोटोग्राफ छपे हैं, और उन दोनों फोटोग्राफ को देखने के बाद किसी भी शर्मदार आदमी की आंखें शर्म से नीचे झुक जाएंगी। वो उस आदमी के वो दृश्य हैं उसमें। कोई भी शर्मदार आदमी ये मानने को तैयार नहीं होगा कि ये हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री था। इसलिए कांग्रेस में पंडित नेहरू को कोई पसंद नहीं करता था। लेकिन पंडित नेहरू को सबसे ज्यादा पसंद करते थे अंग्रेज और लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन को तो बाकायदा भेजा गया था पंडित नेहरू को फंसाने के लिए, और पंडित नेहरू उसमें फंसे थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन और अंग्रेज पंडित नेहरू को पसंद करते थे। क्यों? क्योंकि पंडित नेहरू के बारे में सभी अंग्रेज ये कहा करते थे कि ये आदमी शरीर से हिंदुस्तानी है लेकिन इसकी आत्मा अंग्रेज है, इसलिए इसके हाथ में सत्ता दे दो तो कोई वादा नहीं है, अंग्रेजों का ही शासन इस देश में चलता रहेगा। इसलिए अंग्रेज पंडित नेहरू को पसंद करते थे, और अंग्रेज चूंकि पंडित नेहरू को पसंद करते थे तो बाकायदा पंडित नेहरू की छवि अखबारों में बनाई गई थी मीडिया हाइप के आधार पर। इस देश के जननेता नहीं थे वो। जननेता होते तो क्यों 14 वोट सरदार पटेल के पक्ष में पड़े और क्यों एक ही वोट पंडित नेहरू के पक्ष में पड़ा? और जब पंडित नेहरू ने समझ लिया और देख लिया कि अब दाल गलने वाली नहीं है, मैं चुनाव भी हार गया हूं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में मेरी मेजोरिटी भी नहीं रही है, तो पंडित नेहरू गए गांधी जी के पास। और ये गांधी जी के जीवन की सबसे ब्लंडर मिस्टेक मैं मानता हूं जो हुई। क्या किया, पंडित नेहरू गए बापू के पास और बापू को उन्होंने सीधे सीधे कहा कि बापू, अगर मैं हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बना तो मैं कांग्रेस को तोड़ दूंगा, और अगर कांग्रेस टूट जाएगी तो अंग्रेज हिंदुस्तान से नहीं जाएंगे। फिर उनको यह बहाना मिल जाएगा कि कौन सी कांग्रेस को हम सत्ता दें, जो कांग्रेस पंडित नेहरू वाली है उसको सत्ता दें, या जो पंडित नेहरू के बाहर की कांग्रेस है उसको सत्ता दें। तो बापू पंडित नेहरू की इस ब्लैकमेलिंग के शिकार हुए।
और बापू ने पर्सनल चिट्ठी लिखी, वो पर्सनल चिट्ठी गांधी जी के रिकॉर्ड्स में है, आप चाहें तो देख सकते हैं। गांधी वांग्मय के 100 अंक हैं जो भारत सरकार ने छापे, और गांधी वांग्मय के 100 अंकों के जो लास्ट फेज के अंक हैं उनके आधार पर एक किताब छपी है जिसका नाम है पूर्ण आहुति, और प्यारे लाल जी ने वो किताब लिखी। प्यारे लाल जी गांधी जी के सेक्रेटरी हुआ करते थे, तो प्यारे लाल जी ने पूर्ण आहुति में वो चिट्ठी छापी है जो गांधी जी ने पटेल को लिखी थी। क्या चिट्ठी है? कि सरदार पटेल, मैं जानता हूं कि तुम जीत गए हो, लेकिन नेहरू को प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम वापस ले लो अपना नाम। सरदार पटेल ने बापू से सीधे मिलकर कहा कि बापू, ये आपकी अगर अंतरात्मा है तो मैं तो हमेशा आपका सेवक रहा हूं, आप कहते हो तो मैं अपना नाम वापस ले लेता हूं। और सरदार पटेल ने इतनी दरिया दिली दिखाई, गांधी जी ने उनसे यही कहा था कि नेहरू इस समय सत्ता के मद में अंधा हो गया है और कांग्रेस को तोड़ने की बात कर रहा है, और अगर इस समय कांग्रेस टूट गई तो अंग्रेज जाएंगे नहीं, उनको बहाना मिल जाएगा कि हिंदुस्तान में हम कौन सी कांग्रेस को सत्ता सौंपें, कौन सी कांग्रेस को ना दें। इसलिए अंग्रेजों को यह बहाना ना मिलने पाए, कांग्रेस ना टूटने पाए, तो मैं तुमसे अनुरोध कर रहा हूं कि तुम तुम्हारा नाम वापस ले लो। तब सरदार पटेल ने अपना नाम वापस लिया और इस तरह पंडित नेहरू हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने। किस तरह की चालबाजी से हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री अपने पद तक पहुंचा, आप सोचिए जरा। इससे कम चालबाजियां आज चलती हैं क्या कांग्रेस में? ऐसी ही चालबाजियां तो आज चलती हैं कांग्रेस। यह कांग्रेस का चरित्र है, चालबाजियां करने का कांग्रेस का चरित्र है, और उसी चरित्र में से यह पार्टी निकली है, और इसलिए इस पार्टी को अपने सत्यानाश और दुर्दिन देखने पड़ रहे हैं हिंदुस्तान में। यह वही पार्टी है जो 1885 में बनी थी, और इस पार्टी के बनने का इतिहास भी गजब का है। आप में से बहुत कम लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को एक अंग्रेज व्यक्ति ने बनाया था, एओ ह्यूम उसका नाम था, और कांग्रेस की जब बंबई में स्थापना हुई 1885 में गोकुलदास तेजपाल भवन में, तो बाकायदा कांग्रेस का जो प्रियम्बुल लिखा गया था वो क्या था कि कांग्रेस पार्टी एक मनोरंजन क्लब के रूप में स्थापित हुई थी इस देश में, मौज मस्ती का क्लब था। और अंग्रेज क्या कहा करते थे कि इस कांग्रेस पार्टी में ऐसे पढ़े लिखे हिंदुस्तानियों को हम जमा कर देंगे जो हिंदुस्तानियों के मन में थोड़ा बलबला है, और वो बलबला इस पार्टी में निकल आएगा तो फूट कर बाहर निकल जाएगा। और कांग्रेस पार्टी को अंग्रेज कहा करते थे कि ये सेफ्टी वॉल्व है, फ्यूज की तरह से उड़ जाएगा। इसलिए कांग्रेस की नींव पड़ी, ऐसे नींव पड़ी है इस पार्टी की, और दुर्दिन तो इस पार्टी को देखने ही थे। मैं आपको पूरी विनम्रता से कह रहा हूं, अगर महात्मा गांधी ना आए होते साउथ अफ्रीका से तो कांग्रेस को पूछने वाला कोई नहीं था इस देश को, कोई जानता भी नहीं था कि कांग्रेस है और नहीं भी है। गांधी जी ने आके इसमें प्राण फूके थे और गांधी जी ने आके इसको जन आंदोलन का रूप दिया था। बाद में गांधी जी खुद इतने दुखी हुए कि उन्होंने आजीवन कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, और बाद में गांधी जी कांग्रेस पार्टी में मेंबर तक नहीं रहे, और अंत में जीवन के आखिरी दिनों में गांधी जी ने यह बहुत स्पष्ट कह दिया था कि कांग्रेस को खत्म कर दो। क्यों? गांधी जी कहा करते थे कि अगर इस कांग्रेस को खत्म नहीं किया तो यह हिंदुस्तान को वैसे ही लूटेगी जैसे अंग्रेज इस देश को लूटते रहे। लेकिन इन कांग्रेसियों ने कांग्रेस तो खत्म नहीं की, गांधी को खत्म करवा दिया, क्योंकि गांधी उनके रास्ते की रुकावट बनने लगे थे। और बाद में जब कांग्रेस खत्म नहीं हुई तो आज आप उसका हश्र देख रहे हैं। हिंदुस्तान में घोटाले दर घोटाले इस पार्टी ने रिकॉर्ड कायम किया है, और गांधी जी यही कहा करते थे कि अगर ये कांग्रेस खत्म नहीं हुई तो देश को ऐसे लूटेगी जैसे अंग्रेज लूटा करते थे। वही बात आज गांधी जी की सत्य सिद्ध हो रही है इस देश में, और ऐसे धोखाधड़ी से, ऐसे 400 बीसी के काम से पंडित नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री बने थे। और ऐसी धोखाधड़ी से अगर इस देश की आजादी आई हो तो वो आजादी आजादी है कहां? और इसलिए गांधी जी
14 अगस्त 1947 की रात को दिल्ली में नहीं आए थे, वो नोआखली में थे। और कांग्रेस के बड़े नेता गांधी को बुलाने के लिए गए थे कि बापू चलिए आप, गांधी ने मना कर दिया था। क्यों? गांधी कहते थे कि मैं मानता नहीं कि कोई आजादी आ रही है। और गांधी ने स्पष्ट कह दिया था कि ये आजादी नहीं आ रही है, सत्ता के हस्तांतरण का समझौता हो रहा है, आजादी नहीं आ रही। और गांधी जी ने नोआखली से प्रेस स्टेटमेंट रिलीज किया था, वो प्रेस स्टेटमेंट भी पूर्णाहुति में छपा है पूरा का पूरा। उस प्रेस स्टेटमेंट गांधी जी ने पहले ही वाक्य में यह कहा कि मैं हिंदुस्तान के उन करोड़ों लोगों को यह संदेश देना चाहता हूं कि ये जो तथाकथित आजादी सो कॉल्ड फ्रीडम आ रही है, ये मैं नहीं लाया, ये सत्ता के लालची लोग हस्तांतरण के चक्कर में फंसकर लाए हैं। मैं मानता नहीं कि इस देश में कोई आजादी आई हो। और इसलिए गांधी आए नहीं थे 14 अगस्त रात 1947 को दिल्ली में नहीं थे, नोआखली में थे। माने भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा पुरोधा जिसने हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई की नींव रखी हो, वो आदमी दिल्ली में मौजूद नहीं था 14 अगस्त 1947 की रात। क्यों? इसके गंभीर अर्थ हैं, गांधी जी इससे सहमत नहीं थे। और 14 अगस्त 1947 की रात को जो कुछ हुआ है, 14 अगस्त 1947 की रात को जो कुछ हुआ है, वो आजादी नहीं आई, ट्रांसफर ऑफ पावर का एग्रीमेंट साइन हुआ था पंडित नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन के बीच में। ट्रांसफर ऑफ पावर का एग्रीमेंट और इंडिपेंडेंस, ये दो अलग चीजें हैं। स्वतंत्रता और सत्ता का हस्तांतरण, ये दो अलग चीजें हैं। और सत्ता का हस्तांतरण कैसे होता है, आप आज देखिए, एक पार्टी की सरकार है वो चली जाए, दूसरी पार्टी की सरकार आती है, तो दूसरी पार्टी का प्रधानमंत्री जब शपथ ग्रहण करता है तो वो शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद एक कॉपी पर हस्ताक्षर करता है, शायद आपने देखा होगा। तो जिस कॉपी पर आने वाला प्रधानमंत्री हस्ताक्षर करता है उसी कॉपी को ट्रांसफर ऑफ पावर की बुक कहते हैं, और उस पर हस्ताक्षर के बाद पुराना प्रधानमंत्री नए प्रधानमंत्री को सत्ता सौंप देता है और वो निकलकर बाहर चला जाता है। यही नाटक हुआ था 14 अगस्त 1947 की रात को 12 बजे लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी सत्ता पंडित नेहरू के हाथ में सौंपी थी और हमने कह दिया कि स्वराज्य आ गया। कैसा स्वराज्य और काहे का स्वराज्य? अंग्रेजों के लिए स्वराज्य का मतलब क्या था और हमारे लिए स्वराज्य का मतलब क्या था? अंग्रेज कहते थे कि हमने स्वराज्य दिया, माने अंग्रेजों ने अपना राज तुमको सौंप दिया, ये अंग्रेजों का इंटरप्रिटेशन था। और हिंदुस्तानी लोगों का इंटरप्रिटेशन था कि हमने स्वराज्य ले लिया, अंग्रेजों ने अपना राज्य तुमको सौंपा था ताकि कुछ दिन तुम इसको चला लो, जब जरूरत पड़ेगी तो हम दोबारा आ जाएंगे। और अभी महारानी इसीलिए याद दिलाने के लिए वापस आई है कि हमने 50 साल पहले जो अपना राज तुमको सौंपा था उस राज की हालत क्या है, वही देखने के लिए शायद महारानी इस देश में आई। और उससे भी ज्यादा अपमान की बात मुझे तब लगी कि हिंदुस्तान की इस नपुंसक सरकार ने रानी को जलियांवाला बाग की जमीन पर उतरने की छूट दी। जिस जलियांवाला बाग में हिंदुस्तान के हजारों शहीदों का खून बिछा है, जिस जलियांवाला बाग में हिंदुस्तान के हजारों शहीदों ने अपनी कुर्बानी दी है, उस जलियांवाला बाग में रानी को उतरने की छूट देना हिंदुस्तान के शहीदों की शहादत का सबसे बड़ा अपमान है जो इस सरकार ने किया। रानी किससे माफी मांगेगी? ब्रिटेन की प्रेस ने यह हंगामा मचाया कि जलियांवाला बाग में जाकर रानी माफी मांगना चाहती है। किससे माफी और कैसी माफी? पहले आपने हजारों लोगों को गोली से मार दिया और अब कहते हैं आई एम सॉरी। पहले हिंदुस्तान के हजारों शहीदों को खून से रंग दिया और फिर कहते हैं सॉरी। और रानी किसको माफ कर सकती है? इसकी हैसियत क्या है? इसकी औकात क्या है? हमको माफ करने की उसकी कोई औकात है? हिंदुस्तान के एक एक शहीद की शहादत इस रानी के करोड़ों करोड़ों के मुकट पर कुर्बान की जा सकती है क्या? हिंदुस्तान के एक एक शहीद का खून इतना सस्ता है क्या कि रानी उसको आके माफ करे? कभी कोई देश अपनी शहादत का मूल्य लगाता है क्या? कभी किसी देश के शहीद इसलिए शहीद होते हैं कि बाद में हमारा मूल्य लगाया जाएगा,
हमारी शहादत का मूल्य लगाया जाएगा। और वो दिन तो ये देश भूल नहीं सकता। किससे माफी मांगेगी और कौन माफ करेगा इसको? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में जब 20,000 लोगों की सभा हो रही थी, बैसाखी का दिन था, और उस 20,000 लोगों की सभा जो हो रही थी जलियांवाला बाग में, उस 20,000 लोगों की सभा को चारों तरफ से घेर कर डायर ने गोलियां चलाई थी। पता नहीं आप में से कितने लोगों ने जलियांवाला बाग देखा। मैंने मेरे जीवन में 3 बार देखा। उस जलियांवाला बाग में अंदर घुसने के लिए छोटा सा गेट है 3.5 फुट का, बाकी चारों तरफ से बाउंड्री वॉल से घिरा हुआ है पूरा बाग। तो डायर ने क्या किया था कि 3.5 फिट वाले गेट पर टैंक लाकर खड़ा कर दिया था ताकि अंदर से कोई बाहर ना भाग सके। और डायर अंदर अपनी फौज लेकर पहुंचा और 20,000 हिंदुस्तानी क्रांतिकारी वहां जमा थे। किसी के पास हथियार नहीं था, किसी के पास बम नहीं था, पिस्तौल नहीं था, गोला बारूद नहीं था, ये अंग्रेज सरकार जानती थी। और सब अहिंसक तरीके से वहां मीटिंग कर रहे थे। और उस अहिंसक तरीके से 20,000 लोगों की जो मीटिंग चल रही थी, डायर ने बिना चेतावनी दिए हुए उन 20,000 लोगों पर गोली चलाना शुरू कर दिया। और 18 मिनट गोलियां चलती रही, 1-2 मिनट नहीं, 18 मिनट गोलियां चली थी। और 18 मिनट जो गोलियां चली उनमें से 2,000 लोग तो सीधे मर गए, गोलियां खाकर शहीद हो गए, और हजारों लोग भगदड़ में मर गए। जलियांवाला बाग में एक कुआं है, उस कुएं में कूदने के लिए शहीदों को लगा कि जान बच जाएगी, इस कुएं में कूदो, तो सैकड़ों हजारों तो उस कुएं में कूदने के बाद मर गए। कुछ क्रांतिकारियों को लगा कि दीवार पर से कूदकर बाहर चले जाओ, शायद जान बच जाएगी, तो दीवार से बाहर कूदने में मर गए। और कुछ लोग भगदड़ में पैर के नीचे कुचलकर मर गए। और 2,000 जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी थी उस डायर की गोलियों से, रानी क्या खाके उनको माफ करेगी? और उन 2,000 शहीदों में एक नौजवान भी था, 14-15 साल का एक लड़का था, उसका नाम था ऊधम सिंह। ऊधम सिंह उसी सभा में बैठा था जिस सभा में डायर ने गोलियां चलाई थी। और ऊधम सिंह अपनी आंखों के सामने एक एक क्रांतिकारी को मरते हुए देख रहा था। और एक एक क्रांतिकारी जब मरता था तो ऊधम सिंह के मन में एक ही संकल्प पैदा होता था कि जिस डायर ने मेरे देश के 2,000 लोगों को जिंदा मार दिया है, इस डायर को मैं छोड़ूंगा नहीं अपने जीवन में। उस ऊधम सिंह के जीवन का एक ही मिशन रहा। ताजीवन उस आदमी ने, उस नौजवान ने अपनी जवानी गुजारी सिर्फ डायर से बदला लेने के लिए। और वो 14 साल का बेटा, बालक इस भारत मां का, 14 साल के बच्चे की उम्र क्या होती है और समझ क्या होती है जरा अंदाजा करिए। हिंदुस्तान में क्रांतिकारियों की उम्र नहीं देखी जाती कभी। उस 14 साल के बालक की क्या उम्र थी, क्या समझ थी? वो मरते हुए लोगों की लाश को एक किनारे रखता था और जो मरने वाले क्रांतिकारी थे उनको पानी पिलाने का काम करता था। और जब गोलियां चलना बंद हो गई तो उन सारी मरी हुई लाशों को अंदर जलियांवाला बाग से बाहर लाने के काम में ऊधम सिंह और ऊधम सिंह जैसे तमाम नौजवान थे जो जुटे हुए थे। और ऊधम सिंह ने उसी दिन संकल्प कर लिया था कि मैं इस डायर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरे देश के 2,000 लोगों को मार दिया है गोलियों से। ऊधम सिंह बाद में बड़ा हुआ। बड़ा होने पर उसके सामने जीविका का प्रश्न आया कि जीविका कैसे चलाई जाए। तो नौजवान के मन में जीविका चलाने के प्रति एक ही उद्देश्य था कि मुझे जिंदा रहना है डायर के मरने तक, और कोई उद्देश्य नहीं है जीवन का। और वो लड़का बढ़ईगिरी के काम में लगा, कारपेंटर हो गया, लोहारी का काम किया, बढ़ईगिरी का काम किया। उसके बाद जीवन में कुछ पैसा बनाया उसने और पैसा बनाकर लंदन गया। क्यों गया? क्योंकि डायर ने जब यहां हत्याकांड कर दिया था तो डायर का तबादला कर दिया गया था और उसको लंदन भेज दिया था अंग्रेजों की सरकार। तो डायर की तलाश में ऊधम सिंह लंदन तक पहुंचा और लंदन पहुंचने के बाद फिर पैसे खत्म हो गए तो उसने लंदन के एक होटल में बैरे की नौकरी की। और महीनों महीनों बैरे की नौकरी करने के बाद कुछ पैसा बनाया
तो उससे एक रिवॉल्वर खरीदी उस नौजवान ने, और वो रिवॉल्वर लेकर सारा दिन उसके जीवन का एक ही उद्देश्य रहता था कि डायर को ढूंढना है, लंदन में कहां रहता। एक बार डायर का पता चल गया उसको, और उसके पास भरी हुई पिस्तौल थी। डायर सामने से आ रहा था। ऊधम सिंह चाहता तो पिस्तौल मार के उसको वहीं ढेर कर सकता था, लेकिन उसके मन में विचार आया कि नहीं, इसको ऐसे नहीं मारूंगा। जिस तरह इसने हिंदुस्तान के एक भरी हुई सभा में 2000 लोगों को मारा है, वैसे ही किसी भरी हुई सभा में इस ऊधम सिंह ने संकल्प किया है डायर को मारने का। तो मारा नहीं उसने डायर को, और उसने कहा कि ये तो कमजोरी होगी, और मैं कमजोर देश का आदमी नहीं, ये कमजोरी नहीं करूंगा। उसके बाद अंग्रेजों की सरकार ने डायर के सम्मान में एक बहुत बड़ा फंक्शन किया लंदन में, और डायर के सम्मान में अंग्रेजों की सरकार ने वो फंक्शन क्यों किया? डायर के सम्मान में अंग्रेजों की सरकार ने इसलिए फंक्शन किया कि डायर ने हिंदुस्तान के 2000 क्रांतिकारियों को मारा, तो अंग्रेजी सरकार ने उसको नाइटहुड की उपाधि दी थी कि इसने हिंदुस्तान के 2000 क्रांतिकारियों को मार दिया है, इसलिए इसको इनाम मिलना चाहिए। तो इनाम दिया गया था डायर को, और जिस समारोह में, जिस जलसे में डायर को यह इनाम दिया जा रहा था, उसकी स्तुति गान किया जा रहा था, उसकी प्रशंसाएं की जा रही थी, उसी भरी मीटिंग में ऊधम सिंह बैठा हुआ था। और जब ऊधम सिंह के बर्दाश्त के बाहर हो गई सब बात, तो चुपचाप उठा, मंच तक आया, बड़े आराम से पिस्तौल निकाली और गोली चलाई, डायर वहीं ढेर हो गया। और जब डायर ढेर हो गया, तो अंग्रेजी पुलिस का एक सुपरिंटेंडेंट दरवाजे पर खड़ा था, उसके हाथ कांप गए कि एक हिंदुस्तानी नौजवान में इतनी हिम्मत कि भरी हुई सभा में से उठकर बड़े आराम से आया और मंच पर गोली चलाकर आराम से चला गया। ऊधम सिंह ने उस सुपरिंटेंडेंट को कहा कि मुझे गिरफ्तार करो, तो सुपरिंटेंडेंट भौचक्का होकर उसके मुंह की तरफ देखने लगा, उसकी हिम्मत नहीं हुई ऊधम सिंह को पकड़ने। बाद में ऊधम सिंह को लगा कि यह आदमी डर गया है, तो उसने अपनी रिवॉल्वर फेंक दी हाथ में से, कहा कि अब तो गिरफ्तार करो। तो डरते डरते उसने ऊधम सिंह के हाथ में हथकड़ी लगाई, पुलिस सुपरिंटेंडेंट, और ऊधम सिंह ने कहा कि चलो मुझे न्यायालय में ले चलो, कोर्ट में ले चलो। कोर्ट में ले गए ऊधम सिंह को, और अंग्रेजों के लंदन के न्यायालय में ऊधम सिंह को कटघरे में खड़ा किया। तो न्यायाधीश ने जो सबसे पहला प्रश्न किया ऊधम सिंह से, वो क्या था? न्यायाधीश ने प्रश्न किया कि ऊधम सिंह, तुम चाहते तो डायर की हत्या करने के बाद भाग सकते थे, तुम्हारे पास पूरा मौका था। तो ऊधम सिंह ने जवाब क्या दिया कि जज साहब, हिंदुस्तान की जिस माटी से मैं पैदा हुआ हूं, उस माटी में लोग पीठ दिखाकर नहीं भागा करते, जरूरत पड़ने पर सीने पर गोली खाते, पीठ दिखाकर नहीं भागा करते। तो जज आश्चर्य में पड़ गया। जज ने फिर दूसरा प्रश्न किया कि ऊधम सिंह, अगर तुम भाग जाते और हिंदुस्तान चले जाते, तो तुम अपने जैसे सैकड़ों ऊधम सिंह पैदा कर सकते थे। तो उसने जवाब दिया कि जज साहब, आप इस गलतफहमी में मत रहिए, जिस दिन आप मुझे फांसी के फंदे पर चढ़ाओगे, उस दिन हिंदुस्तान में एक नहीं 10,000 ऊधम सिंह पैदा हो जाएंगे। मुकदमा चलता गया, और मुकदमा चलता गया तो अंग्रेजों की प्रेस के जो रिपोर्टर थे, वो भौचक्के होकर उस नौजवान का चेहरा देखते थे जिसकी उम्र मुश्किल से 20-22 साल की थी, और अंग्रेजों के जज के हाथ कांप गए थे उस लड़के को फांसी का ऑर्डर सुनाने के लिए। और उस लड़के ने कहा था कि बिल्कुल परेशान मत होइए, मेरी फांसी लगाने के लिए आपको जल्लाद बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद अपने हाथों से फांसी का फंदा चढ़ाऊंगा। और लंदन की जेल में जब ऊधम सिंह को फांसी हुई, तो ये लंदन की जेल के मैनुअल बताते हैं कि ऊधम सिंह ने सारे जल्लादों को अलग हटा दिया था, खुद गया बड़े आराम से, और बहुत आराम से उसने कहा कि ये नकाब डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों के कानून थे कि फांसी के पहले काले रंग का नकाब पहनाया जाता, उसने कहा इसकी कोई जरूरत नहीं। बहुत आराम से खुद फांसी का फंदा उसने गले में लटकाया और झूल गया। ऐसे नौजवान को रानी माफ करेगी क्या? ऐसे नौजवान की शहादत का कोई मूल्य हो सकता है क्या? और ऐसे नौजवान की शहादत की जमीन है
अमृतसर का जलियांवाला बाग, और उस जलियांवाला बाग में ऐसी रानी के खराब और अपवित्र कदमों का हिंदुस्तान की सरकार के द्वारा वहां पहुंचाया जाना सबसे ज्यादा राष्ट्रीय सम्मान के खिलाफ काम है। और इससे बड़ा राष्ट्रद्रोह कोई हो नहीं सकता जो भारत सरकार ने अभी किया है। यह राष्ट्रद्रोह का काम है, यह कोई छोटा मोटा द्रोह नहीं। शहीदों की शहादत से खिलवाड़ करना, शहीदों की शहादत का मूल्य लगाना, शहीदों की कुर्बानी का मूल्य लगाना, यह राष्ट्रद्रोह का काम है। और ऐसे राष्ट्रद्रोह के काम करने वाले लोगों को, नेताओं को आप बर्दाश्त कर रहे हैं। और मैं आपसे इसी निवेदन के साथ अपना व्याख्यान खत्म कर रहा हूं कि ये इतने बड़े प्रश्न हैं जो आपके बीच में मैंने उठाए हैं, इनका जवाब तलाशिए। मिलकर अगर हम जवाब नहीं ढूंढेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमको माफ नहीं करेगी, और आने वाली पीढ़ी जब हमसे सवाल पूछेगी तो शायद हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। आज मेरा दिल बहुत भरा हुआ है, ज्यादा बोलने की स्थिति में नहीं, इसलिए आपसे माफी चाहता हूं और विदा चाहता हूं।